नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार भवन ने 32 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार के बच्चे जानेंगे G20 की अध्यक्षता का महत्व। तेजस्वी यादव ने वीडियो साझा कर लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की दी जानकारी। GST कलेक्शन में टॉप पर बिहार। पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद की रफ्तार तेज। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार भवन ने 32 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार भवन कैबिनेट सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट ने ग्रुप डी के कुल मिलाकर 32 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ ही साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इसी पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.state.bihar.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट को दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल्याण बिघा इंडोर शूटिंग रेंज के खिलाड़ी श्री अभिषेक कुमार को तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वधीर पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इसके साथ उन्होंने अभिषेक कुमार के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि श्री अभिषेक कुमार ने 50 मीटर यानी कि जमीन पर लेटकर निशान लगाने में वधीर पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, जुनून और संकल्प से अपनी यह जीत हासिल की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कामना की है कि वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और देश का नाम रोशन इसी तरह करते रहें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर की। दीपाली किशोर का जन्म 6 जनवरी 1979 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। यह एक भारतीय गायिका है। इसके साथ ही वह इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम के साथ भी दिखाई दे चुकी हैं और उन्होंने फिल्म लक्ष्य के एक समूह गीत का भी प्रदर्शन किया है। उन्होंने फिल्म डॉन मुथुस्वामी के लिए एक गाना गाया है। गीत आई लव यू है जिसे अनु मलिक ने संगीतबद्ध किया है। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 में मयंक चांग के साथ ऑडिशन और रूबरू की मेजबानी की है। उन्होंने आभास जोशी के साथ डीडी नेशनल पर एक म्यूजिक शो भारत की सांस सिंगिंग स्टार की मेजबानी की है। दीपाली महुआ टीवी पर आने वाले भोजपुरी शो बड़की मलकाए में काम कर रही हैं। उनका नवीनतम बॉलीवुड गीत मिथुन के विपरीत की एंड काका जी हुजूरी है। बता दें कि दीपाली ने सिंगर ऐश्वर्या निगम से शादी की है। पटना जेपी गंगा पथ पर दिखेगी हरियाली ही हरियाली। अब बिहार की राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ के दोनों ओर हरियाली दिखाई देगी। बता दें कि BSRDC के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिलकर अगले 10 दिनों में दिघा से AN कॉलेज तक लगभग 5 किलोमीटर में बने इस सड़क पर 7,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए सड़क के दोनों ओर 5 मीटर चौड़ा फुटपाथ तैयार किया जा रहा है जो कि अब अंतिम चरण में है। इस फुटपाथ के बगल में ही इन पौधों को लगाया जाएगा। इसके अलावा राजापुर पुल के पास, टोल प्लाजा के पास काफी जगह होने से फूड कोर्ट बनाने की योजना की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इसके निर्माण को लेकर लगभग 1 माह के अंदर रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद ही इसके निर्माण को लेकर काम शुरू किया जाएगा। कुडनी विधानसभा उपचुनाव में इतनी प्रतिशत हुई वोटिंग, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न। बीते दिन 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों व यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। इसके अलावा यूपी की रामपुर सदर व खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान का सरदा शहर, बिहार की कुटनी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। वहीं अगर इस चुनाव में बिहार के कुटनी में हुए मतदान के हुए आंकड़ों की बात करें तो बिहार के कुटनी सीट पर हुए मतदान लगभग 58% रहा। जानकारी के लिए बता दें कि इनके परिणाम सार्वजनिक रूप से 8 दिसंबर को सामने आएंगे। बिहार के बच्चे जानेंगे G20 की अध्यक्षता का महत्व।
भारत के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है जब देश G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है, जहां विश्व भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है और भारत को मिली G20 समूह की अध्यक्षता मिलने को देश का हर स्कूली बच्चा गर्व के साथ पढ़ेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों के बच्चों को 15 पृष्ठों का एक PPT भेजा गया है, जिसमें G20 समूह और भारत को मिली इसकी अध्यक्षता के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं बिहार शिक्षा परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इस संबंध में बच्चों को जानकारी देने के लिए कहा गया है। बच्चों को इसमें बताया जाएगा कि भारत को G20 की अध्यक्षता पहली बार मिली है और G20 समूह दुनिया को 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 देशों का समूह है जो विश्व की 85% GDP और 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। G20 का कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने वीडियो साझा कर लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की दी जानकारी। बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस बात की जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से ICU में शिफ्ट किया गया है। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों स्वस्थ है, आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवत। जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव को उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य का किडनी लगाया गया है। बता दें कि ऑपरेशन से पहले लालू यादव की दोनों किडनी 28% काम कर रही थी, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद अब लगभग 70% तक काम करेगी। बिहार की इस बेटी का U19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन। एक बार फिर बिहार की बेटी ने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि बिहार के नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के विदुपुर गांव की रहने वाली बेटी का चयन U19 महिला क्रिकेट टीम में कर लिया गया है, जिसके बाद अब वो 7 दिसंबर को पुणे में होने वाली U19 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना जलवा बिखेरती नजर आने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि महिला U19 महिला क्रिकेट टीम के लिए समस्तीपुर में आयोजित क्रिकेट कैंप में बिहार के 20 लड़कियों का चयन किया गया है, जिसमें से एक नाम निधि भारती का है। बताते चले कि निधि भारती का दिलचस्प क्रिकेट में बचपन से ही रहा है। इन्होंने अपने खेल की पहली यात्रा घर के पास मौजूद खेतों में खेलते हुए शुरू की थी, जिसके बाद वो पिछले 2 वर्षों से नालंदा क्रिकेट क्लब में प्रैक्टिस कर रही है। बता दें कि इसके पिता भारती प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नए कार्यकारिणी का आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज यानी मंगलवार को VV के कुलपति गिरीश चौधरी की अध्यक्षता में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के नए कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ VV के सभी छात्र शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम के बाद छात्र संघ फंक्शनल हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव में जदयू ने बड़ी जीत दर्ज हासिल करते हुए 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन, उपाध्यक्ष पद के लिए विक्रमादित्य सिंह, संयुक्त सचिव के लिए संध्या कुमारी और कोषाध्यक्ष पद के लिए आनंद मोहन शामिल है। वहीं इनके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाते में केवल 1 सीट आया, जिनमें विपुल कुमार महासचिव पद के लिए चुने गए। बिहार में कड़ाके की ठंड शुरू। बिहार में दिन और रात के तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड बढ़ने के आसार है। दूसरी ओर तेजी से लुढ़क रहे न्यूनतम तापमान के कारण रात में ठिठुरन की स्थिति शुरू हो गई है। दिन में धूप हो जाने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम के 4 बजे से धूप की धमक खत्म हो जाती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 7 दिसंबर तक आसमान साफ रहेगा। वहीं सुबह के समय हल्का कुहासा छाएगा। इस बीच 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्से में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर पर कुहासा छाए रहने के आसार हैं। GST कलेक्शन में टॉप पर बिहार। बिहार के वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार GST कलेक्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अव्वल नंबर पर है। बता दें कि बिहार GST कलेक्शन में पूरे देश में पहले पायदान पर है। जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर यानी कि पिछले महीने में GST वैट समेत अन्य टैक्स के साथ बिहार 21,883 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर जमा है। यानी कि बिहार में पिछले वर्ष के मुकाबले GST कलेक्शन में 28% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर पूरे देश में GST राजस्व की बात करें तो वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी गई है कि देश में GST राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11% की बढ़ोतरी के साथ 1.46 लाख करोड़ रहा। ब्रह्मजुनी हिल इस वजह से है बेहद खास।
बिहार के गया जिले में स्थित ब्रह्मजुनी हिल विष्णुपद मंदिर से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ब्रह्मजुनी पहाड़ी ऐतिहासिक मंदिरों से घिरी हुई है। आसपास के ऐतिहासिक मंदिरों का उत्कृष्ट दृश्य इस जगह पर शांति का अनुभव कराता है। अगर आप शहर के व्यस्त जीवन शैली से कुछ वक्त निकाल कर शांति पाना चाहते हैं तो आप यहां आ सकते हैं। यह आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प होगा। यहां कई गुफाएं भी है जो अपनी दीवार पर की गई नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कहा जाता है कि बुद्ध ने इसी ब्रह्मजुनी पहाड़ी में 1000 शिष्यों को अपना उपदेश दिया था। यहां घूमने जाने के लिए सबसे बेस्ट महीना अक्टूबर से फरवरी के मध्य का है। यहां का मौसम इस दौरान पर्यटकों के घूमने के अनुकूल रहता है। यहां स्थित विष्णुपद मंदिर, ब्रह्मयोनि और मातृयोनि गुफाएं और अन्य मंदिर अष्टभुजा देवी को समर्पित है। पिछले वर्ष की तुलना में धान खरीद की रफ्तार तेज। बिहार राज्य में धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 12 टन की अधिक बढ़ोतरी के साथ 1.90 लाख टन की बिक्री है। बता दें कि पिछले वर्ष धान की खरीद बिक्री 1.74 लाख टन हुई थी। इसके अलावा इस बार धान बेचने वाले किसानों में भी 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर भारत में धान की खरीद 1 नवंबर 2022 से शुरू कर दी गई थी, वहीं दक्षिण भारत में धान की खरीद 15 नवंबर 2022 से शुरू की गई। यही कारण है कि उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में धान की बिक्री अधिक हुई है। वहीं अगर बिहार के उस जिले की बात करें जहां सबसे ज्यादा धान की बिक्री हुई है तो वह जिला सिवान है, जहां 20,454 टन धान की बिक्री की गई है। वहीं सबसे कम धान की खरीद लखीसराय में हुई है, वहां केवल 15.20 टन धान की बिक्री हो पाई है। इसी को देखते हुए सहकारिता विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि जिन जिलों में धान की कम बिक्री हुई हो उसे बढ़ाया जाए। मखाना के बाद अब मरचा चूड़ा को GI टैग मिलने की प्रबल संभावना। मिथिला मखाना को हाल ही में केंद्र सरकार ने GI टैग दिया है और अब बिहार के पश्चिमी चंपारण के मरचा चूड़ा को GI टैग दिलवाने की तैयारी है। हालांकि GI टैग मिलना एक जटिल प्रक्रिया है, इसको लेकर पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास अब अंतिम चरण में है। शीघ्र ही जिले के मरचा चूड़ा को GI टैग मिलने की प्रबल संभावना है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा GI रजिस्ट्री चेन्नई के विशेषज्ञों के समक्ष आज ट्रेडमार्क ऑफिस कोलकाता में मरचा धान चूड़ा से संबंधित प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके लिए GI रजिस्ट्री चेन्नई के विशेषज्ञों द्वारा जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया है। नई बरौनी पर शुरू हुई नन इंटरलॉकिंग, कई ट्रेन हुई रद्द। नई बरौनी स्टेशन में एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है, वहीं इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सके इसको लेकर नन इंटरलॉकिंग का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि इंटरलॉकिंग की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया है, जिस वजह से बरौनी से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार इस प्लेटफॉर्म के निर्माण से बाईपास से ट्रेनों के परिचालन में और भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। बताते चले कि इंटरलॉकिंग की वजह से जिन ट्रेनों परिचालन को रद्द किया गया है उनमें ट्रेन संख्या 1, 2, 5, 6, 7 सहरसा पटना राज्य रानी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 1, 3, 2, 2, 7/28 सहरसा पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 1, 3, 2, 0, 5/6 सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 1, 3, 2, 0, 5/6 सहरसा पाटलिपुत्र जनहित एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 1, 8, 6, 2, 5/26 कोसी एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों के अलावा कई ट्रेनें ऐसी जिनके परिचालन के रूटों में भी बदलाव किया गया है। सीएम ने जनता के दरबार में सुनी 79 लोगों की फरियाद। बीते दिन सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के अलग अलग जिलों के 79 लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जल्द से जल्द सभी परेशानियों को सुलझाया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निहानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई की। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें नीतीश कुमार के सामने जमीनी मामले से जुड़ी आई। इस सुनवाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अब्दुल और सुरेश के चक्कर में बुरे फंसे खानसर।
सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज में पढ़ाने को लेकर खान सर काफी चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन एक बार फिर वे चर्चा में आ गए हैं, पर इस बार विवाद में घिरे होने की वजह से चर्चा में आए हैं। दरअसल उनके एक छोटे से वीडियो क्लिप को शेयर कर लोगों ने उन्हें घेरा है। इन्हीं लोगों की सूची में कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल है। बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करते हुए बिहार पुलिस से एक्शन की मांग की है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में खान सर ने अब्दुल और सुरेश से दो व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए अपने अंदाज में छात्रों को द्वंद समास के बारे में समझाया है और इसी वीडियो की वजह से वो मुश्किल में पड़ गए हैं। जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, घटिया निहायती ही घटिया, इसे गिरफ्तार करना चाहिए और जो अट्टाहस कर रहे उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बन रहे हैं। इसके साथ ही कई यूजर ने भी इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में पूर्णिया की सलोनी तीन कैटेगरी में बनी चैंपियन। मुंगेर में आयोजित स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप मुकाबले में बिहार के पूर्णिया जिले की सलोनी ने प्रतिभागियों को लोहा मनवाते हुए तीन कैटेगरी में चैंपियन बनी है। बता दें कि यह चैंपियनशिप मुंगेर जिले के मुंगेर इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार राज्य जूनियर अंडर 19 सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ, जिसमें सभी 9 वर्ग के फाइनल मैच खेले गए। जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं प्रतियोगिताओं में से तीन प्रतियोगिता में पूर्णिया की सलोनी चैंपियन बनी। जिन प्रतियोगिता में सलोनी चैंपियन बनी है उनमें महिला एकल, महिला युगल और बालिका एकल वर्ग शामिल है। महिला एकल में सलोनी ने राणा को 21-7, 21-8 से हराया, तो वहीं महिला युगल में सिमरन सिंह के साथ मिलकर सारा कौसर और फिजा हसन की जोड़ी को 21-19, 19-21, 21-19 से हराया और बालिका एकल वर्ग में पटना की सृजा को 21-13, 21-11 से हराते हुए तीन प्रतियोगिताओं में चैंपियन बनी। लालू यादव के सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जगदानंद सिंह ने कही ये बातें। बीते दिन लालू यादव के सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लालू यादव के सेहत की समाचार को सुनकर सभी लोग खुश हैं, उनका जीवन बहुत कीमती है। बता दें कि जगदानंद सिंह ने लालू यादव को लेकर कहा कि उनके साथ मेरी शुभकामनाएं और दुआएं हैं, स्वस्थ होकर बचे हुए संघर्ष के लिए। लालू प्रसाद का जीवन इस देश के लिए बहुत कीमती है, प्रकृति के द्वारा उनके लिए जो काम सौंपा गया है उस काम के लायक बना करके हम लोगों के बीच उन्हें वापस भेजेगी। जानकारी के लिए बता कि लालू यादव को उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में अपनी किडनी दी है। ललन सिंह एक बार फिर बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एक बार फिर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी और ललन सिंह को प्रमाण पत्र सौंप दिया। बताते चले कि 3 दिसंबर को ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाया था। उनके खिलाफ किसी ने भी इस पद के लिए दावेदारी नहीं पेश की और इससे पहले पार्टी की राष्ट्रीय बैठक ने ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर नीतीश कुमार प्रस्तावक बने थे, जिस पर सभी नेताओं ने सहमति जताई थी। तभी से लगभग तय माना रहा था कि एक बार फिर से ललन सिंह की हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी की जाएगी। को लेकर बीते दिन ललन सिंह को निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई। अब 10 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर तंज। जन सुराज अभियान यात्रा के तहत एक बार फिर राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि वे पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने की फाइल पर साइन करेंगे। अब उनकी सरकार बने 4 महीने पूरी हो गई है। अब लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि उनकी कलम टूट गई है या शाही सूख गई है या फिर कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने तेजस्वी को लेकर कहा था कि उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है, उन्हें सभी लोग केवल लालू यादव के बेटे के रूप में ही जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी सभा में हंगामा होना इस बात को बताता है कि लोग उनसे कितने नाराज हैं। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप के लिए इस खिलाड़ी को मिली कप्तानी। बीते दिन सोमवार को ऑल इंडिया विमेन सिलेक्शन कमेटी की ओर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर 19 महिला टी20 सीरीज और उसके बाद होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का यह पहला एडिशन होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 16 टीमों के बीच 14 से 29 जनवरी के बीच 2023 में खेला जाएगा। वहीं इस मैच को लेकर भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा को सौंपा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अगले साल 28 जनवरी को 19 साल की हो जाएंगी। अब तक इन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट, 21 वनडे और 46 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनके खेल में यही अनुभव अंडर 19 वर्ल्ड कप में कारगर साबित हो सकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना 1907 में चिंगड़ी पोटा रेलवे स्टेशन पर हुई। भारत के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा 1992 में गिरा दिया गया। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क उठे। केंद्रीय बैंक ने 2008 में रेपो रेट और रिवर्स रेट में 1% की कटौती की। भारत व चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2008 कर्नाटक के बेलगांव में प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल बियानी का 1896 में जन्म हुआ। एक बहुजन राजनीति नेता भीमराव अंबेडकर का 1956 में निधन हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का 1998 में निधन हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का 2009 में निधन हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा का 2015 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन का 2015 में निधन हुआ। आज ही के दिन महापरिनिर्वाण दिन भी मनाया जाता है। इस आसान तरीके से जानिए कहाँ है आपका पोलिंग बूथ। हम वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यह पता नहीं होता कि हमारा पोलिंग बूथ कहाँ है। तो अब आप इस आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि आपका पोलिंग बूथ कहाँ है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी डिवाइस में वेब ब्राउजर खोलना है। इसके बाद आपको www.voterportal.eci.gov.in पर जाना है। अब यहां आपको अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर ईमेल मोबाइल के जरिए लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ मौजूद विकल्पों में से फाइंड माई पोलिंग स्टेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद एपिक नंबर या नाम और क्षेत्र की जानकारी एंटर करते ही आपको अपने उचित पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी। अब आप यहाँ से अपनी वो पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आयोग से पहले प्राप्त नहीं हुई थी। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत जारी स्वीकृति पत्र में सोलर पंप लगाने के लिए कानूनी शुल्क के रूप में 5,600 रूपए और अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क के रूप में 5,000 रूपए मांगे गए हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि स्वीकृति पत्र फर्जी है। @MNRE India ने यह स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम सेवक, मुकुंद कुमार झा, रूपेश कुमार, शुभम राज, कुंदन कुमार, अखिलेश यादव, ओंकार सिंह, रविशंकर, सदुल्ला पलवी, मुतुल रंगीला, प्रहलाद कुमार, लवली कुमारी, गोना शर्मा, कुलदीप कुमार, जयंती राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहारी न्यूज द्वारा चलाई जा रहे 25 खबर बुलेटिन में आपके अनुसार इसमें और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।